हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की आर डिस्टेंस पर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी। क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कौन सा चैप्टर था? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हमने क्या क्या देखा था? इसमें हमने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की आर डिस्टेंस पर उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला देखा था, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको बायो सेवर्ट लॉ भी कहते हैं। दूसरा हमने देखा था कि कोई भी कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। अगर ये सोलेनोइड होता है, यानी इसमें कई कॉइल होते, तो इसका फॉर्मूला, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उसका फॉर्मूला आया था ठीक है। इसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे। इसके आगे अगर कोई इन्फिनिट लेंथ का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इसकी लेंथ इन्फिनिट है, तो इसकी आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, यहाँ पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। या करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इन्फिनिट लेंथ, तो इसका फॉर्मूला ये है ठीक है। अब कोई भी मूविंग चार्ज है, ये एक स्ट्रेट पाथ पर क्यू कूलम चार्ज है, स्ट्रेट पाथ पर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से एक पॉइंट पी है, इससे आर डिस्टेंस पर है, उस पे इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
मूविंग चार्ज। हमने बायो सेवर्ट के लॉ में क्या पढ़ा था, ये बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, सॉरी आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां क्यू कूलाम का चार्ज टी सेकंड वेलोसिटी वी है इसकी, तो ये टी सेकंड में सपोज करो डेल्टा एल डिस्टेंस कवर करता है, इट्स कवर डेल्टा एल डिस्टेंस इन टी सेकंड, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी, और i की वैल्यू क्या होती है, q अपॉन टी, ठीक है, क्योंकि q इज इक्वल टू i इंटू टी, y इज इक्वल टू q अपॉन टी। तो यहां पे इसको इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, v इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, आई की जगह क्या रखेंगे, क्यू अपॉन टी, डेल्टा एल की जगह क्या रखेंगे, वी इंटू टी, ये ठीक है, ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा आएगा, तो ये टी से टी कट गया। इसका फॉर्मूला क्या आया, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, किसी भी मूविंग चार्ज जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके r डिस्टेंस पर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू इससे फॉर्मूले से निकलेगी। ओके, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें कि i करंट फ्लो कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो करंट कैरिंग कंडक्टर वो थीटा एंगल बनाता है, यानी जो उसमें करंट फ्लो कर रही है उसके साथ में बी का एंगल थीटा है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी कैसे निकालेंगे हम, तो फोर्स अप्लाइड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी लेंथ के, ये एल लेंथ का है ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। तो एफ इज इक्वल टू के आई वी एल साइन थीटा, या के की वैल्यू वन होती है इसलिए एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा ठीक। अगर ये थीटा की वैल्यू जीरो है यानी जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी ठीक है, और अगर ये थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 इज इक्वल टू वन होता है इसलिए एफ की वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी इस केस में आई वी एल ठीक। अब अगर इस करंट की जगह यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह कोई अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा ठीक है, वो निकालेंगे यानी फोर्स अप्लाइड ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था उसमें आई करंट फ्लो कर रही थी, अब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह एक चार्ज ले लेंगे जो कि वी वेलोसिटी से मूव करता है, ये चार्ज है क्यू कूलम और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो इसकी डायरेक्शन है उसके साथ थीटा बनाता हुआ ये डायरेक्शन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हमें निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब सपोज करो ये क्यू कूलम जो चार्ज है वो 30 सेकंड में एल डिस्टेंस कवर करता है ठीक है, तो क्या होगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू टी ठीक है, और आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम और करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो इसको इसमें हम प्लेस करेंगे तो बी इज इक्वल टू आई की जगह क्या रखेंगे हम क्यू अपॉन टी, और बी वैसे ही रहेगा एल की जगह क्या रखेंगे वी इंटू टी, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा रहेगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू आएगी बी क्यू वी साइन थीटा। इसको लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। ठीक, अगर यहां पर थीटा की वैल्यू 90 होगी और ये फोर्स है फोर्स,
अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 90 होगी तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी बी क्यू बी क्यू बी, ठीक है। फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब अगर बी की डायरेक्शन दी है, आई की डायरेक्शन दी है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये अपन निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये करंट की जो जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करती है, ये है मिडिल फिंगर। ठीक है, और इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स की डायरेक्शन होगी थंब की डायरेक्शन में। ये तीनों थ्री डायमेंशनल है, इसमें दिख नहीं रहा बोर्ड में, ये इस तरह का है, मतलब इस तरह से है ये, यानी ये 90 एक दूसरे से और ये भी 90 डिग्री। तो ये देखिए इस तरह से होता है, सपोज करिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड में करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में। करंट किससे शो होती है? मिडिल फिंगर से। ये आपका मिडिल फिंगर है, ये करंट को शो कर रही है, ठीक है। और ये जो है इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर किसको शो कर रहा है? ये इंडेक्स फिंगर बी को शो कर रहा है और ये करंट को शो कर रही है। बी मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थंब कहाँ को जाएगा? इनवर्ड टू दी बोर्ड जाएगा, यानी जो है इसमें फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम पता लगा सकते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब फोर्स की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन होगी, इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और मिडल फिंगर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और एक दूसरा होता है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है कि इस तरह से फैलाएं अगर हाथ को, ठीक, तो यानी ये चारों उंगलियां और ये जो अंगूठा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से राइट हैंड पाम रूल है, अगर एक ही प्लेन में है उंगलियां और अंगूठा, ठीक है, इस तरह से उंगलियां और अंगूठा एक ही प्लेन में है, ठीक है, और करंट यदि
अंगूठे की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बाकी चार उंगलियां हैं। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड की तरफ होगी इस तरह से। ये यानी ये जो मार्कर है इसका पॉइंट की डायरेक्शन जो होगी वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और राइट हैंड पाम रूल से भी फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दो पैरेलल लॉन्ग वायर हैं, ठीक है, दोनों में I1 I2 करंट फ्लो कर रही है, r डिस्टेंस पर पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक। तो इनमें एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो निकालना है, ठीक है। फोर्स अप्लाई ऑन ईच अदर वाई टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। हमने अभी पढ़ा था कि फोर्स अप्लाइड बाई लॉन्ग वायर के एट आर डिस्टेंस कितना होता है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर, ठीक। तो इसकी वजह से जो आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी ये, ठीक। तो कितनी होगी, वी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन आर, ठीक है। तो इसकी वजह से जब ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर की रखे होने की वजह से इस पर फोर्स अप्लाई होगा, वो कितना होगा, एफ इज इक्वल टू I2 वी एल साइन थीटा, ठीक है। तो इधर से बी की वैल्यू प्लेस करेंगे, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक। तो यहाँ एल ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई है वो F1 है, सपोज करो ये F1 है, ठीक। अब इसकी वजह से भी इस पर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर B कितना होगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन आर, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा इसमें, फोर्स इज इक्वल टू I1 V
बी बी टू, इसकी ये सपोज करो इसकी वजह से जो बी है वो बी टू है, और इसकी वजह से जो बी है वो बी वन है, तो आई वन बी टू एल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 तो ये हट जाएगा, साइन थीटा वन हो जाएगा। तो एफ टू की वैल्यू, बी टू की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से रखेंगे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर इंटू एल। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ, तो कितना हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर इंटू एल। ठीक है, अगर दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स में सेम करंट फ्लो कर रही है, यानी आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई, ठीक है, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई टू आई स्क्वायर अपॉन आर इंटू एल। ठीक है, अब यहां से आई की डेफिनेशन निकालना है, मतलब वन है, यहां से आई की डेफिनेशन यानी 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकलेगी इस फॉर्मूला से। ठीक, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 1 मीटर है, ठीक है, एल इज इक्वल टू भी 1 मीटर है, ठीक, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ये भी 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर यही रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -7 आई स्क्वायर एफ। ठीक है, मतलब क्या है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, टू पैरेलल लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज 1 मीटर, फोर्स अप्लाइड बाई ईच अदर ऑन यूनिट लेंथ ऑफ दी बाई यूनिट लेंथ ऑफ अनदर वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7, देन करंट फ्लोइंग इन ईच वायर विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आर मीटर है, ठीक है, और दोनों लॉन्ग वायर हैं, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, लंबे वायर हैं, इनफिनिट लेंथ के हैं, ठीक है, और अगर उनके द्वारा एक दूसरे के ऊपर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे की यूनिट लेंथ पर, मतलब 1 मीटर, एल इज इक्वल टू 1 मीटर रखा हमने इसलिए दोनों की यूनिट लेंथ पर, तो फोर्स तो जो है उनमें करंट फ्लोइंग जो होगी प्रत्येक उसमें, अगर इक्वल स्ट्रेंथ की करंट फ्लो कर रही है, एक कंडीशन और भी है कि करंट फ्लोइंग इन ईच वायर इज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, देन द करंट फ्लोइंग इन ईच वायर विल बी 1 एम्पियर। तो
इससे 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से आती है। अगर ये करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, तो ये फोर्स जो होगा अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, तो ये रिपल्सन का फोर्स होगा। डेफिनेशन क्या है इसकी? टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर आर पैरेलली प्लेट एट 1 मीटर डिस्टेंस टू ईच अदर एंड करंट इन बोथ आर फ्लोइंग ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ देन फोर्स, देन इफ फोर्स अप्लाइड वाई 1 वायर इन यूनिट लेंथ ऑफ अदर वायर इज 2 × 10⁻¹⁷ न्यूटन देन वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच वायर विल बी 1 एम्पियर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज दो मूविंग चार्ज हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। आर
आर डिस्टेंस पर हैं, वी वन और वी टू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? म्यू जीरो अपॉन 4π। इसकी वजह से यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू होगी म्यू जीरो अपॉन 4π q1 v1 अपॉन r, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो लोरेंज का फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? म्यू जीरो अपॉन 4π q1 v1 अपॉन r q2 इंटू v2। तो एफ इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4π q1 q2 v1 v2 अपॉन r। आर स्क्वायर होता है सर, अब ये हो गया FM मैग्नेटिक फोर्स दोनों के बीच में, ठीक। इतना इसके द्वारा इस पर हो रहा तो इसके द्वारा भी इस पर इतनी होगा, यानी दोनों एक दूसरे पे इतना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स और ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। तो FE अपॉन FM निकालें, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9×10⁻¹। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻¹⁷। इसकी वैल्यू, ठीक। और ये q1 से q1 अपॉन q2 कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा, सॉरी FM ये वाला V1 V2, ठीक है। नाइन इंटू 10⁻¹ और 7 कितना होता है? 16, ठीक। V1 V2 FE अपॉन FM, ठीक। अगर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V है, यानी दोनों सेम वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3×10⁻¹⁷
एट का होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होता, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता। तो एफ ई अपॉन एफ एम सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। कभी भी लाइट की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा वी स्क्वायर से ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स से हमेशा ज़्यादा होती है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, क्लियर। अभी हमने ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। प्लीज डू सब्सक्राइब। अब अगले लेक्चर में हम जो कम्पिटिटिव एग्जाम नीट वगैरह में जो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, वो उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके।